रिसेंटली मैंने जितना भी अनबॉक्सिंग किया, रिव्यू किया, कंपैरिजन किया, मुझे बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस के साथ साथ एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला हर वीडियो में, हीटिंग इशू के बारे में। क्या इस फोन में, इस स्मार्टफोन में हीटिंग इशू देखने को मिलेगा या नहीं, स्पेशली पबजी खेलते टाइम? Realme 6 या फिर Redmi Note 8 Pro जैसे स्मार्टफोन में आपको MediaTek का Helio G90D प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस सेगमेंट में ये जो प्रोसेसर है ना, काफ़ी पावरफुल आपको गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टेम्परेचर भी फोन में देखने को मिल जाएगा। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, Snapdragon 720G तो Snapdragon 712 जैसे प्रोसेसर बहुत सारे यूजर्स ने इन स्मार्टफोन्स में भी हीटिंग को लेकर कंप्लेन किया है। PUBG जैसे पावर हंग्री गेम्स आपके प्रोसेसर को फुल स्पीड से धक्का मारता है और आपका जो प्रोसेसर है ना, इसका दिमाग बिल्कुल दही हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फोन में ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। गाइस इस वक्त हम सब घर पे बंद है, करने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ज्यादातर टाइम हम वेब सीरीज देखने में, यूट्यूब पे या फिर गेम्स खेलने में ही निकाल देते हैं, तो ऐसे में फोन का इस्तेमाल बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी हमें कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ बेसिक टिप्स जो आपके फोन के टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा सा कूल डाउन कर सकता है और साथ में बैटरी लाइफ में भी आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना, तो आप उसे ठंडा करने के लिए किसी तरह का कूलिंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल मत करना, या फिर रैम मैनेजमेंट या फिर बैकग्राउंड किलिंग जैसे ऐप्स को आप प्लीज इंस्टॉल मत करना। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है इस तरह के सिचुएशन को। गाइस बैटरी ड्रेन एंड हीटिंग पे मैंने अभी बहुत सारा वीडियो बनाया रिसेंटली बहुत सारे स्मार्टफोन्स का, और एक चीज मैंने नोटिस किया है, ब्राइटनेस लेवल जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हीटिंग एंड बैटरी लाइफ के लिए। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना जब भी गेम खेलना, अगर आप इंडोर में गेम खेल रहे हो, वैसे भी आपको इंडोर में ही गेम्स खेलना चाहिए, तो अपना ब्राइटनेस लेवल जो है वो 35-40% के आसपास ही रखना अगर आपका काम चल जाता है। अगर आप उसे 70-80% करके गेम खेलोगे ना, तो आपको टेम्परेचर भी ज्यादा देखने को मिलेगा और बैटरी ड्रॉप भी। एंड गाइस ब्राइटनेस लेवल को फिक्स रखना, ऑटो ब्राइटनेस को डिसेबल कर देना। रेडमी हो, रियलमी हो या फिर वीवो हो और दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ भी जब हम फोन परचेस करते हैं, तो एक कवर या केस हमें देखने को मिलता है। अगर नहीं भी मिलता तब भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर लेते हैं फोन को कवर करने के लिए। ये प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गाइज रात को जब हमें गर्मी लगती है तो हम कपड़े उतार देते हैं, बनियान पहनकर सोते हैं। तो गाइज अगर आप गेम खेल रहे हो ना, तो उस वक्त आप अपना कवर या केस उतार कर खेलना, आपको गर्मी में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिलेगी। इस दिन भर में हम बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक क्रोम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐप्स हमने इंस्टॉल किए अपने स्मार्टफोन में और उसे यूज करते हैं। लेकिन जब आप गेम खेलना स्टार्ट करोगे ना, तो जो अननेसेसरी ऐप्स है उसे रिसेंट बैलेंस से क्लियर कर देना, उसके बाद गेम खेलना स्टार्ट करना। गाइस जो पबजी के हार्डकोर फैन है ना, मैंने देखा इनको कहीं भी ये गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार मैंने शूटिंग के टाइम पे देखा पार्क वगैरह में भी कई लोग बैठे हुए गेम्स खेल रहे थे। तो गाइस आउटडोर में स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट के नीचे गेम्स मत खेलना, इतना लोड मत दीजिए कि उसका बैटरी जो है वो डैमेज्ड हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखना। गाइस एक और बात, अगर एसी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एसी नहीं है तो कोशिश करना फैन के सामने ही गेम्स खेलना। फैन के नीचे मैंने एक चीज नोटिस किया है, अगर मैं शूटिंग के टाइम पे फैन ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि घटघट सा आवाज आता है, एक साउंड आता है, तो मैं फैन जब ऑफ कर देता हूँ ना, तो 5-7 मिनट अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो फोन बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। तो फैन ऑफ करके मत खेलना एंड कोशिश करना फैन के सामने बैठकर ही गेम खेलना, अगर आप 3-4 घंटे का गेम खेलने वाले हैं। तो अगर आप 3-4 घंटे लंबा गेम खेलना चाह रहे हो ना, तो एक बार आप अपने सेंसर्स को चेक कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा सेंसर अगर ऑन हो लाइक ब्लूटूथ वगैरह, तो उसे ऑफ कर देना, उसके बाद गेम खेलना स्टार्ट करना। कुछ लोगों मैंने ऐसा भी देखा है कि फोन चार्ज पे लगाकर गेम खेल रहे हैं, तो गाइस प्लीज ऐसा मत करना, आपका जो बैटरी है वो बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है। गाइस जो नॉर्मल यूजर है उनको इतना ज्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो 3-4 घंटे पबजी खेलते हैं ना, उनका फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे में इन 7-8 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आप इन बातों का ध्यान रखना। वीडियो अगर आप लोगों को किसी भी एंगल से यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।